चुनाव के दौरान दो मशहूर अभिनेत्रियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। रचना बनर्जी ने लॉकेट चटर्जी के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया, कहा सभी जगहों में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है चुनाव। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय डियर साप्ताहिक लॉटरी, केवल 6 रुपए में अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। रचना बनर्जी ने लॉकेट चटर्जी के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरे मामले को संबंधित अधिकारी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। वह लगातार विभिन्न बूथों का दौरा कर रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट पर दो मशहूर अभिनेत्री आमने सामने हैं। भाजपा की ओर से हुगली से मौजूदा सांसद लॉकेट चटर्जी है, तो वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने लोकप्रिय रियलिटी शो दीदी नंबर 1 की एंकर और अभिनेत्री रचना बनर्जी को चुनावी मैदान में उतारा है। इस चुनावी मौसम के बीच तृणमूल के एक एजेंट को रचना बनर्जी के लिए लोगों से वोट मांगते हुए अपने हाथों से पकड़ा गया। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने इसका दावा किया है। चटर्जी ने कहा कि जब महिला से पूछताछ की गई तो वह सही जवाब नहीं दे सकी और कहा कि उसे उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसा करने का निर्देश मिला था। वह अधिकारी कौन थे इसका भी कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। सोमवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान शुरू होने के बाद लॉकेट चटर्जी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि एक आशा कार्यकर्ता को पैसे के बदले बूथ एजेंट के तौर पर बैठाया गया है। उसे लोगों से रचना के लिए वोट मांगने का निर्देश दिया गया है। वह तृणमूल की एजेंट है जो बूथों पर सहायक के तौर पर काम करती है और लोगों से टीएमसी के लिए वोट मांगती है। उसके पास कोई अन्य पार्टी की पर्ची नहीं है। जिला कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर करके आशा कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्रों पर रखा गया है। তারা তো কেউ হাত হাত গুটিয়ে বসে নেই, তারা যদি দেখছে কিছু অস্বস্তিকর ঘটনা হচ্ছে তারাও নিশ্চয়ই এখনো অব্দি কিছু আসেনি, সব সুস্থভাবে সুন্দর ভাবে चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 बाय मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड, मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 25 मई। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाटे।